जीपरा डेढ़ बस पूर्वते एजन युवके कर्णाटकर पर खोज काढ़ी आरम्भ करिसिल तेउ जात्रा जात्रा उद्देश्य आसिल मानुहर मजत जुगर क्षेत्र सजागता सृष्टि करा और यह जात्रा आरम्भ कर सुबुरी राज्य नेपाल भूटान आदि के कईबाखनो राष्ट्र परिभ्रमण करार पाछत तेउ उपस्थित होइहि অসমত আৰু অসমত উপস্থিত হৈ ইতিমধ্যে ডিব্ৰুগড় চহৰত তেওঁ পদাপন কৰিছে ইতিমধ্যে মই সেই যুৱকজনক দেখুৱাইছোঁ মানুহৰ মাজত সজাগতা সৃষ্টি কৰা মানুহৰ মাজত যোগ ক্ষেত্ৰত এক বিশেষ পদক্ষেপ বহন কৰা যোগৰ ক্ষেত্ৰত কিদৰে পদক্ষেপ বহন কৰিব লাগিব তাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ সজাগতা সৃষ্টি কৰি ডেৰটা বছৰ দিন খোজকাঢ়ি তেওঁ এয়া চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ কেইবাখন পৰিভ্ৰমণ কৰাৰ পাছত ডিব্ৰুগড়ত আহি উপস্থিত হৈছে আৰু প্ৰথমে তেওঁৰ পৰা জানিব কাৰণে চেষ্টা কৰিম এই ক্ষেত্ৰত তেওঁ কি ক'ব বিচাৰে ফাৰ্ষ্ট অফ অল ৱেলকাম টু আৱাৰ আসাম ইয়ে যাত্ৰা কব শুরু হ'ব আছে नमस्कार सर, मेरा नाम कृष्ण, मैसूर कर्नाटका स्टेट से आया हूँ सर। कर्नाटका स्टेट से पूरा भारत पैदल यात्रा कर रहा हूँ सर, योगा और पर्यावरण के बारे में जागरूक करने के लिए। मैं प्रोफेशनल योगा टीचर हूँ, सर्टिफाइड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नई दिल्ली। ये पैदल यात्रा करने के लिए मेन रीज़न हमारे यूथ लोगों को, स्पेशली स्कूल कॉलेज स्टूडेंट लोगों को योगा के बारे में जागरूक करने के लिए, क्योंकि योगा हमारा देश का कला है, हमारा परंपरा है, हमारा गर्व भी है सर। इसलिए एक योगा शिक्षक के रूप में ये मेरा कर्तव्य है सर। इसलिए हर रोज़ पैदल यात्रा करने के समय सभी स्कूल कॉलेज स्टूडेंट लोगों को मिल के उनको योग के बारे में इंट्रैक्शन कर रहा हूँ, साथ साथ डेमोन्स्ट्रेशन करके सूर्य नमस्कार, प्राणायाम, मेडिटेशन, ये सारे चीज़ के बारे में स्टूडेंट के साथ योग के बारे में टोटली बता रहा हूँ सर। और यह असम में लगभग 3-4 महीने से वॉकिंग कर रहा हूँ सर, अप टू सिलचर तक साउथ में, फिर वापस इसे तिनसुकिया लास्ट डिस्ट्रिक्ट है उस तरफ जा रहा हूँ सर अभी। और आज भी डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम करने के लिए फिक्स है सर, 3 बजे के बाद में उधर भी जा रहा हूँ सर। और इधर एक अच्छा चीज़ मतलब असम में हमको बहुत ये मेरा सौभाग्य है, स्पेशली बिहू टाइम में उनको सभी देख के बहुत अच्छा लगा ट्रेडिशन। और मैं हमारे टेक्स्ट बुक में पढ़ लिया था असम स्टेट के बारे में, असम मतलब असम चहा ये भी वो फेमस है, और ये इधर माँ कामाख्या और ये मजुली, ये चीज़ सिर्फ ये चीज़ के बारे में पता था। ये आपका जर्नी? हाँ सर, ये 16 अक्टूबर 2022 मैसूरू कर्नाटका स्टेट से स्टार्ट हो गया सर, अभी तक लगभग 1.5 साल कंप्लीट हो गया और लगभग 12,000 किलोमीटर पैदल यात्रा कर चुका हूँ। असम स्टेट 18 नंबर स्टेट सर। इसके पहले कौन सी राज्य या स्टेट? सर इसके पहले कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, नेपाल, सिक्किम, भूटान, असम गुवाहाटी साइड से, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अभी असम से अरुणाचल प्रदेश जा रहा हूँ सर। असम का पर्यावरण, असम का लोगों के साथ बातचीत करते कैसे लगा? हाँ, इधर ये मैं हर रोज़ एक अच्छा चीज़ सभी लोग मुँह से एक बात बता रहे हैं, जय माँ हहोम जैसा, वो सुनने के लिए बहुत अच्छा लगा। मैं पहली बार सुन रहा हूँ, मैं हमको भी एनर्जी बूस्ट हो रहा है सर ये नाम सुन के मैं। और ये मैं सच बता रहा हूँ सर, मैं कामाख्या माता को मैं विजिट करने के बाद वो वाइब्रेशन बहुत अच्छा था। मैं हमको भी बहुत पवित्र क्षेत्र है, पवित्र शक्तिपीठ भी है, उधर भी विजिट करके आया हूँ मैं। और ये टोटली असम लोग कम्प्लीटली फैमिली मेम्बर तरह ट्रीट कर रहे हैं, और रुकने के लिए, खाना पीने के लिए, और स्पेशली प्रोग्राम करने के लिए अच्छी तरह सपोर्ट कर रहे हैं। मैं इसलिए मेरी तरफ से सभी असम लोगों का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ सर। असम का लोगों का योगा के बारे में ख्याल कैसा? हाँ, और एक चीज़ हमको अच्छा लगा, इधर वो जो CM सर है वो बहुत अच्छी तरह वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं योगा के बारे में, वो भी सुन के बहुत अच्छा लगा सर। वो भी उनका नाम पर अच्छी तरह अभी तरह वो अच्छा काम कर रहे हैं, इसके लिए CM सर को थोड़ा सा अच्छा काम किया है, अभी कर रहे हैं योगा के बारे में स्पेशली। बाकी चीज़ के मतलब पता नहीं हमको, योग के बिना कुछ पता भी नहीं है। देखिए असम का पर्यावरण क्लाइमेट कैसा लगा? हाँ सर, हमारे साइड में सर अभी भी लगभग 40 डिग्री धूप गर्मी है सर, लेकिन इधर इतना अच्छा मौसम है वॉकिंग करने के। मैं अभी भी तक असम में इतना वॉकिंग कर रहा हूँ, तीन चार महीने से, मैं कभी भी उतना गर्मी फेस नहीं किया सर। और स्पेशल असम स्टेट में आई हैव नॉट फेस्ड अ सिंगल प्रॉब्लम व्हाइल डूइंग पादयात्रा अक्रॉस असम, सो टोटली इट वॉज रियली आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर एवरी असम पीपल सर। एंड मेरी तरफ से हमारा असम लोगों को, हमारा पूरा देशवासियों को मेरी एक निवेदन है, जो प्लीज़ आप सब लोग हर रोज़ योगा प्रैक्टिस कीजिए, हर जगह पे पौधे लगा दीजिए, हमारा देश, हमारा पर्यावरण सुरक्षित रखिए, क्योंकि ये दोनों चीज़ मानव जीवन के लिए बहुत अत्यावश्यक है। आपको भी जानते हैं आज ये पर्यावरण कितना इंपॉर्टेंट है और योगा भी कितना इंपॉर्टेंट है, इसकी वजह से पूरा दुनिया भर 21 जून इंटरनेशनल योगा डे भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। मतलब आज योगा के बारे में कुछ गलत सोच भी है सर,
योगा मतलब जस्ट हिंदू लोगों का है, हिंदू धर्म का है, और ये योगा मतलब बीमारी क्योर करने के लिए, ये कंप्लीट गलत सोच है सर। इसलिए वो निर्मूलन करने के लिए भी मैं प्रयास कर रहा हूँ, जो एक योगा शिक्षक के रूप में ये मेरा कर्तव्य है। मेरा देश के लिए एक छोटा कंट्रीब्यूशन करने के लिए मैं डिसाइड लिया कर रहा हूँ, अच्छी तरह सपोर्ट कर रहे हैं सर। एजन युवक टी शर्ट तो की लिखा है अपना लक्ष्य कर वर्क फॉर योगा इंडिया नेपाल भूटान और यदर सुबुरिया राष्ट्रकन परिभ्रमण कर पाचते पदजात्रा कर डेरटा बस पूर्वते आरम्भ कर पदजात्रार जरिए इतिम्य डिब्रुगढ़ उपस्थित और लक्ष्य से योग दिशा मानुर मजदूर सजागता सृष्टि कर और ये सजागता सृष्टि कर उद्देश्य हाथ रखि डेर बस पूर्वते कर्णटक खोजकाढ़ी कईबाखन राष्ट्र परिभ्रमण कर अर्भगत पदार्पण कर पाचते आज डिब्रुगढ़ उपस्थित से डिब्रुगढ़ सहर जरिए यार पास डिब्रुगढ़ तीनचुकिया पदजात्रा कर और तीनचुकिया सुबुरिया राज्य अरुणाचल प्रदेश पदजात्रा समाप्त हम और यहदर देखने पा गई है यज युवक कर्णटक डेर बस पूर्वते पदजात्रा आरम्भ करोगर क्षेत्र मानुर मजदूर सजागता सृष्टि कर उद्देश्य हाथ लय और जुगर क्षेत्र सजागता सृष्टि कर इतिम्य आज डिब्रुगढ़ उपस्थित हुआ देखने पा गल कैमेरा।